इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि यहाँ के विधायक श्री मार्थन जी, कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे परम मित्र सूर्यकांत धस्माना जी, शास्त्री जी, प्रेमलाल जी, हमारे राणा जी, आशुतोष, हमारे मिस्टर चौधरी दीपी साहब उत्तरकाशी, और बड़े क्रांतिकारी विचार रखने वाले हमारे रतुरी भाई एसडीएम साहब, और प्यारे बच्चों और माताओं बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए और आपने समय दिया। आज हमको मौका मिला, जैसे बताया कि भगवान रघुनाथ की आश्री का सपना सोचा था डॉक्टर सत्या जो बैंगलोर से आए हैं, स्ट्राइड फाउंडेशन जिस संस्था ने कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। उनसे भी ये बात हो रही थी कि कहाँ बैंगलोर, कहाँ पुरोला, कहाँ सुनौली गांव। तो मेरे को लगता है कि एक ऊपर से लिखा हुआ आदेश आया था कि आपके क्षेत्र में आना है और कुछ काम करना है, तो पिछले 6 महीने में जो है आपके तैयार हुई है और आज हमको सौंपने का मौका मिला है। तो इस सौंपने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, हम लोग क्यों आए यहाँ पे। जून में आपको मालूम है केदारनाथ घाटी में एक बहुत बड़ी आपदा आई। जब केदारनाथ घाटी में आपदा आई, वहाँ के स्कूल बह गए, वहाँ की बिल्डिंग बह गई, वहाँ के घर बह गए, और वो टीवी में पूरा प्रोग्राम दिखाया जा रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे थे कि उत्तराखंड में त्राही हो रखी है। स्कूल बह रहे थे, 5-5 मंजिल बिल्डिंग गिर रही थी, हजारों लोग मरे, पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आए उसमें सबकी मौतें हुई, उत्तराखंड में लोगों की मौतें हुई, तो पूरा देश उसमें मदद करना चाह रहा था। तो डॉक्टर सत्या की जो कंपनी है, जो दवाई बनाने की कंपनी है बेंगलोर में और कई कंट्री में इनके ऑफिस हैं, तो इन्होंने एक अपील जारी करी अपने ऑफिस में जाके, अपने जितने लोग से लेकर मैनेजमेंट के जितने लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से होगा उतना कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। और एक कंट्रीब्यूशन हुआ, इन्होंने हमसे बात करी, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग पहुंचे कि हम लोग आंगनवाड़ी उत्तरकाशी में बनाएंगे। अब उत्तरकाशी में जब आंगनवाड़ी बनाने की बात हुई तो डीपीओ साहब से मुलाकात हुई, कुछ एरिया में गए हम, जो भटवारी एरिया में गए, आगे पीछे के एरिया में गए, तो वहां पे भवन बह चुके थे, जगह नहीं थी बनाने की। तो इसी दौरान हम लोगों जब पुरोला आए, पुरोला में हमको क्षेत्र अच्छा लगा, और पूरा कॉपरेशन अग्रवाल मैडम की तरह से, डीपीओ साहब की तरह से, राणा जी जो है जिनके इनका बहुत पुराना इतिहास है, इनके परिवार का बहुत सौभाग्यशाली है कि उनसे मुलाकात हुई, इन लोगों ने मिलकर हमको इस बारे में आश्वस्त किया कि अगर आप यहाँ काम करेंगे तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये आंगनवाड़ी जो 6 महीने में बनी है, हम लोगों ने जितना औजार मौका मिला है, सुनाली, मैराना, श्रीकोट और नागझाला, हम लोगों ने चार आंगनवाड़ी बना दी है, जो आज इस कार्यक्रम के बाद अब बाकी जगह जाके वो आंगनवाड़ी डीपीओ